आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिलासपुर जिले के झंडूता में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बागछाल पुल का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 16 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं उन्होंने पुल के शेष बचे कार्य को 2 वर्ष के अंदर पूरा करने के भी निर्देश जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होने पर गोविंद सागर के बाईं ओर की 17 पंचायतों की 20,000 की आबादी, जबकि नदी के दाईं ओर अर्थात श्री नैना देवी और झंडूता को जोड़ती हुई 19 पंचायतों की 25,000 की आबादी लाभान्वित होगी। यह पुल नदी के दोनों किनारों की बस्तियों की दूरी को बिलासपुर से लगभग 70 किलोमीटर कम करेगा। स्वारघाट से झंडूता की दूरी केवल 13 किलोमीटर रह जाएगी, जो अभी 100 किलोमीटर से अधिक है। सीएम ने कहा कि इस परियोजना का निर्माण उनका सपना था, लेकिन इसके निर्माण में देरी हुई है और यह शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैमन इंडिया ने जमीन पर इसके अलंकार का कार्य बंद कर दिया है, क्योंकि घाट के आसपास की परतें वैसी नहीं थी जो परिकल्पना नींव के दौरान डिजाइन की गई थी। हालांकि पुल की नींव के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अब पुनः गैमन इंडिया ने पुनः पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहराया कि गद्दी समुदाय उनके लिए सम्माननीय है। कुछ लोगों द्वारा इस संबंध में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के अलावा इसमें कुछ नहीं किया गया है। विपक्ष मुद्दे को राजनीति रंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि विरोध के लिए हमेशा ही शांतिपूर्ण मार्ग अपनाना चाहिए, न कि कानून को अपने हाथों में लेकर, अन्यथा शोर शराबा करके कोई हल निकलता है। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये रंजीर में आने का कोई मेरा पहला मौका नहीं है। मैंने ये सारा क्षेत्र, मैंने सारे इस इलाके का पैदल दौरा किया हुआ है और सारी समस्याओं को मैंने अपनी आँख से देखा है। मुझे खुशी है कि आज इन वर्षों में यहाँ सारे प्रदेश के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है, वहाँ इस इलाके के अंदर भी भारी परिवर्तन हुआ है। आज जगह जगह पर स्कूल खोले गए हैं, हॉस्पिटल खोले गए हैं, शासकीय इकाइयाँ खोली गई हैं और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों की जो आर्थिकी है वो बहुत पहले से अच्छी हुई है। और जिसके लिए मैं आपका मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वहीं उन्होंने बरठी में 30 बिस्तरों की सुविधा के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तरोन्नयन की घोषणा की। सीएम ने बलुह और दाड़ी में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने और प्राथमिक पाठशाला रियाणा को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 3.3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री नैना देवी जी में पार्किंग परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। सीरखड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भल्लू ब्लियोर पुल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की वजह से कार्यों में काफी देरी हुई है। वहीं उन्होंने झंडूता तहसील में तलाई से बघारू तक सरियाली खड्ड में 6.65 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ नियंत्रक कार्य की आधारशिला भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, बिलासपुर। केंद्र व राज्य सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पूरी तरह असफल रही हैं, जिसका कारण दोनों सरकारों की एक जैसी नीतियां हैं। देश में किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी हर रोज बढ़ रही है। यह बात कॉमरेड राकेश सिंघा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। CPIM केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ 15 से 31 अगस्त तक देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है।
राकेश सिंघा ने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के तहत लाभ देने का वायदा कर केंद्र पीछे हट गई है। उन्होंने हिमाचल सरकार से सवाल पूछा है कि कंडाघाट में अमरदेव बाबा नंगा सोलन में आया था तो वह कुछ ही सालों में अरबपति कैसे बन गया। जब इस बाबा ने महिला पर हमला किया, झगड़ा बढ़ा तो बाबा भी थोड़ा घायल हुआ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सीएम को बाबा का हाल जानने के लिए आईजीएमसी जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसानों को तो भूमि से बेदखल किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी आजीविका के लिए थोड़ा बहुत कब्जा कर रखा है, लेकिन बाबा को सैकड़ों बीघा जमीन निशुल्क दे दी गई। छात्र रूसा से जूझ रहे हैं, शिक्षा को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोरी घोषणाएं कर समस्याओं को हल करने के बजाय बढ़ा रही हैं। नतीजा निजी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी जरूरी सेवाओं को निजी हाथों में देने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, फिर चाहे गुड़िया का मामला हो या होशियार सिंह मामला हो, सरकार और पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ सीपीआईएम 15 से 31 अगस्त तक देशव्यापी अभियान चलाने जा रही है। देखिए, ये कैंपेन अखिल भारतीय स्तर पर चलेगा, ये 15 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो भारत सरकार, जो बीजेपी की सरकार है और जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है, जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, उस भ्रम से लोगों को बाहर लाना है। जिस विकास के रास्ते पर वो चल रही है, वो विकास का रास्ता न्याय नहीं दे सकता है। वो विकास का रास्ता सिर्फ अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने का रास्ता है, और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो देश का किसान है, देश का मजदूर है, देश का मेहनतकश है, देश का दलित है, देश की महिला है, देश का नौजवान और छात्र है, उसको न्याय मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। कुल्लू कॉलेज में संगीत की छात्राओं के साथ प्राध्यापक द्वारा दुर्व्यवहार मामले ने तूल पकड़ लिया है। छात्र संगठन एबीवीपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरोपी शिक्षक और उसकी पत्नी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए हैं। एवीवीपी आरकेएमवी कॉलेज के अध्यक्षा नेहा शर्मा ने बताया कि छात्र संगठन कॉलेज की कार्यप्रणाली इससे संतुष्ट नहीं है, इस मामले में प्राध्यापिका को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों से इस तरह का बर्ताव उचित नहीं है, यदि दोषी अध्यापकों को बर्खास्त नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को और अधिक तेज करेगी। हम यहाँ पे कुल्लू में जो छात्रा के साथ बदतमीजी हुई है उस चीज़ के लिए प्रदर्शन करने आए, विरोध प्रदर्शन। हम सबने देखा है कि उसके जो भी किया गया है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ हम करने आए यहाँ पे विरोध। तो चाहते हैं कि जो भी शिक्षक है और उनकी पत्नी है उनको बर्खास्त किया जाए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा विरोध चलता रहेगा और हम इंसाफ की मांग करते हैं। हालांकि वीरवार को कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों के साथ बैठक की थी। कॉलेज प्रशासन ने छेड़छाड़ मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जो 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट तैयार कर कॉलेज प्रबंधन को सौंपेगी। उस जांच कमेटी को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर स्थित फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में फूड फेस्टिवल मनाया गया। इस अवसर पर फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। इस फूड फेस्टिवल को हिमाचली तड़का फेस्टिवल का नाम दिया गया। हमीरपुर स्थित फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में हिमाचली तड़का फेस्टिवल मनाया गया। इस अवसर पर हमीरपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा और कश्मीरी सन्स ज्वेलर के एमडी सुरेश हांडा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न व्यंजन बनाए और मुख्य अतिथि को सर्व भी किए। इस अवसर पर फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट हमीरपुर के
हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर अशफाक ने बताया कि फूड फेस्टिवल में छात्रों ने हिमाचल प्रदेश के कई स्वादिष्ट व्यंजन खुद बनाए हैं। इंस्टीट्यूट फ्रैंकफर्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया व्हिच यू नो टीचेस यू द बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन इंडस्ट्री। सो टुडे दीज आर द स्टूडेंट्स विद मी फ्रॉम फ्रैंकफर्ट हमीरपुर, one of the fantastic place, and today we had a basic learning about food festival, which is part of their module, which is very important for them to know the different cuisines of the world as well as the local flavors. So the students have prepared the food by themselves, and you can look at them and their attire, that it purely shows the local flavors of Himachal. So this food festival is basically called as Himachali Tadka, and basically this dishes has been, you know, taken out from the remote places of Himachal, which are delicious and sumptuous and good looking. As we believe, the food is always, you know, to be presented well. The students have been taught about food presentation and the techniques of food service. वहीं इस अवसर पर फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी अपने विचार रखे। टुडे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड फूड फेस्टिवल एट फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट हमीरपुर, एंड द स्टूडेंट्स दे आर, एज यू कैन सी, दे आर ड्रेस्ड अप इन द हिमाचली अटायर, एंड आवर थीम इज हिमाचली तड़का। We have prepared lots of Himachali dishes. Students, they have really worked hard for that. They have been given training in the hospitality module, and they have prepared these dishes. And moreover, we have a lot of activities over here. They are going to perform the Himachali Nati and all. We are Frankfurt Institute. It is providing training to the students in the hospitality. So for that purpose, we have organized the food festival over here. And as you can see, these are really mouth-watering dishes. And moreover, we are providing platform to the students for the personality development, communication skills, aviation, and so on. Students, they are really being confident these days. They are growing gradually, and they are really learning, as you all can see. तो आप जैसा कि देख सकते हैं, आप बच्चों के हाथ में काफी सारे dishes हैं, क्योंकि आज फ्रैंकफर्ट में मनाया जा रहा है हिमाचली तड़का फेस्टिवल, बिकॉज यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई तरह की हिमाचली डिशेस प्रिपेयर करी हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में पोहा है, ये स्पेशल बर्फी है, ये स्पेशल पूड़ी चना, इस तरह की कई डिशेस हैं, और यहाँ पर कई सारे चीफ गेस्ट आए हैं जिनको ये सारी चीज़ें टेस्ट करवाई गई हैं। हियर वी प्रिपेयर लॉट्स ऑफ डिशेस दैट आर लोकल डिशेस ऑफ हिमाचल, एंड वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट एंड शो दिस फूड फेस्टिवल टू, देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्यूजींस and varieties of, lots of varieties of cuisine that we want to share with others. And the Mr. Ashfaq Hussain tells about the hospitality, how we serve and how we celebrate. Bureau Report, Polestar TV, Hamirpur. हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ। जंगल